नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और आज मैं अपने साथी भावना के साथ मिलकर आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के लेखक का नाम है प्रभात और इसके सुंदर चित्र बनाए हैं इंक ब्रश एंड मी स्टूडियो ने। इस कहानी का नाम है ऊंट के अंडे। गप्पी चाचा, कभी कभी आप कहाँ गायब हो जाते हो? इफ़त बोली। मैं बोनों के देश में बिल्लियाँ बेचने चला जाता हूँ। हमारे यहाँ की बिल्लियाँ वहाँ शेरनियों के दामों में बिकती हैं। इससे पहले मैं ऊंट के अंडे बेचने का काम करता था। चाचा, आप कमाल करते थे, बच्चे बोले। अरे, इसमें कमाल की क्या बात है, कप्पी चाचा ने कहा। अभी कल जो हुआ उसे भी लोग कमाल की बात बता रहे थे, पर मुझे इसमें कुछ भी कमाल नहीं लगता, कप्पी चाचा बोले। हुआ क्या था, बच्चे बोले। हुआ ये कि मैं अपने पास के जंगल के कुएं पर पानी खींच रहा था। मुझे पानी खींचता देख एक हवाई जहाज कुएं के बगल में आकर रुका। उसमें से 150 आदमी, औरत और बच्चे उतर कर आए। कहने लगे, प्यासे हैं चाचा, पानी पिलाओ। मैंने सबको कुएं से खींच खींच कर पानी पिलाया। हवाई जहाज का ड्राइवर बोला, चाचा एक बाल्टी पानी इंजन में भी डालना है, इंजन गर्मा गया है। मैंने हवाई जहाज के पंखे पर चढ़कर इंजन में पानी डाला। जब वे जाने लगे तो हवाई जहाज स्टार्ट नहीं हुआ। ड्राइवर बोला, चाचा जरा धक्का लगाना। मैंने धक्का लगाया, तब कहीं जाकर वो हवाई जहाज उड़ा। फिर घर आ रहा था तो ये भुजंगी 7 फीट लंबा काला नाग फन उठाकर रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। मैंने कहा, क्यों मजाक करते हो नागराज, हटो रास्ता दो। पर नागराज टस से मस ना हुए। तब मैंने अपने इसी गमछे में नागराज को बांधा और झाड़ियों में छोड़ कर आया। तभी रासिद ने अपने काले कपड़े का सांप गप्पी चाचा की तरफ उछाल दिया। इफ़त चिल्लाई, चाचा सांप सांप। सांप को देखते ही गप्पी चाचा उछलने कूदने लगे। चाचा अलाव को घेर कर बैठे बच्चों के पीछे जा छुपे। मुझे बचाओ इफ़त, मुझे बचाओ रासिद। सारे बच्चे हंसने लगे। गप्पी चाचा ने वहां से ऐसी दौड़ लगाई कि अंधेरे में कहां गायब हुए दिखाई ना दिए। बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी। आओ अब हम इसके चित्रों पर चर्चा करते हैं। इस चित्र को देखो और सोचो कि अगर आपको बोनों के देश में जाने का मौका मिलता तो आप क्या करते। और इस चित्र को देखो और बताओ कि गप्पी चाचा क्यों उछलने कूदने लगे। क्या कभी आपको भी भ्रम हुआ है? बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी। मैं फिर मिलूंगा नई कहानी के साथ।